इस मंदिर की मान्यता ये है जी कि हमने सिंह द्वार से शुरू होती है ये गुफा, अंदर प्रवेश करते ही भैरव का धड़ कहा जाता है, यहाँ से लेटकर या कुछ बैठ करके अंदर जाते हैं और अंदर जाने के पश्चात शीतल जल है, उस जल में से हो करके माँ के दरबार में जाते हैं। वहाँ पर तीन पिंडियों के दर्शन करते हैं जो माँ भगवती की तीन स्वरूपों की प्रतीक हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। और यहाँ पर अखंड ज्योत जिन्होंने ये प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, पंकज चौधरी, उन्होंने ही प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी और वे स्वयं ज्वाला देवी से अखंड ज्योत लेकर के आए थे, तब से यह इस मंदिर की गुफा में वे अखंड ज्योत आज 30 वर्षों से लगातार प्रज्वलित है। भक्त लोग आते हैं, घी की सेवा करते हैं तो भक्तों के सहयोग से वह ज्योत जल रही है, मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। भक्तों जो भी एक बार यहाँ पर आता है गुफा के अंदर दर्शन करके, वो फिर बार बार आने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि माँ की महिमा है, वो उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। एक बार आने वाला बार बार यहाँ माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगवाता है, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा भक्त लोग कहते हैं जो भी आता है। क्योंकि कहते हैं कि बच्चे को किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो माँ बाप से ही मांगता है, तो वो तो फिर माँ है और फिर जगत माँ। इसलिए जिनको ऐसा कौन है जिसको कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ आते हैं माँ के आगे फरियाद करते हैं, माँ अपना आशीर्वाद देती है, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर मेला लगा रहता है भक्तों का। हमारी सनातन धर्म कृष्ण मंदिर ट्रस्ट के प्रधान श्री विपल बत्रा जी वैष्णो देवी गए थे, वहाँ गुफा को, प्राचीन गुफा को देख करके उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि कितना अच्छा हो यही हम गुफा माँ की अपने मंदिर में बनवाएं, यहाँ आकर के भक्त प्राचीन गुफा जैसा आनंद प्राप्त करें या अनुभूति करें कि जब इस गुफा में इतना आनंद है तो माँ भगवती की प्राकृतिक गुफा जो है वैष्णो देवी, उसका आनंद कितना अनंत गुणा होगा। तब से उनको विचार आया और प्रधान जी ने अपने अनुसार W के आकार की इस वैष्णो देवी गुफा की स्थापना, निर्माण कार्य किया। मैं, मेरी मम्मी और मेरी फैमिली मेंबर सभी बचपन से ही आते हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे घर के पास भी पड़ता है और वैसे भी बहुत फेमस है। और जैसे मैं तो हर मंडे को आती हूँ जल चढ़ाने शिव जी पे, और बहुत ही फेमस मंदिर है ये, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं दूर दूर से। हाँ जी, अभी वैसे मैं बाहर रहती हूँ, बट जब भी मैं रोहतक में होती हूँ तो मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ मंदिर। यही कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानसिक शांति है, वो आप किसी भी प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, बट अगर आप किसी मंदिर में जाएंगे, जैसे ऐसी जगह पे आएंगे, तो आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा।